हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आप इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे पवनदीप की एक छोटी सी झलक आपको दिख जाए, मिल जाए। और उनका जो आज विहंग संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल ये चल रहा है, वहाँ पर ख़ास तौर पर से उनके प्रोग्राम को रखा गया है। तो मैंने कहा चलिए यार इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। मेरी बात हुई है पूर्वेश सरनाइक जी से, जो प्रताप सरनाइक जी की इनकी फाउंडेशन है, प्रताप सरनाइक फाउंडेशन। इन लोगों ने इस आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, तो इन आयोजक महोदय से जान लेते हैं वो पवनदीप के बारे में और मैथिली के बारे में और इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वेरी वेल थैंक यू, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुंबई के इस मौसम में जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है एक बहुत अच्छी सी हवा लेकर आ रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? Very great. I mean, we've been organizing the Sanskruti Arts Festival for the last 9 years in Thane. It happens at the Upwan Lake, and more than 650 artists come and perform at this festival. बापरे। तरीके के artists होते हैं, कोई Bollywood के artists होते हैं, कई classical singers होते हैं, classical dancers होते हैं। इसमें 6 अलग-अलग stages इस festival में present किए जाते हैं, और अपनी कला और संस्कृति को पेश करने का एक ये platform होता है, जो हमारे प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से हम करते हैं। एक अलग रंगमंच थाने के लोगों के लिए हम लाते हैं, और सिर्फ थाने नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से लोग इस फेस्टिवल की राह देखते हैं। बिल्कुल। और बड़े प्रमाण से तकरीबन 5-6 लाख लोग इस 4 दिन के महोत्सव में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। बापरे, आपका प्रोग्राम जहाँ तक मैं पढ़ रही थी सुबह से लेकर रात तक होता है, मुझे बताइए आप परेशान नहीं हो जाते, थक नहीं जाते? बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना समय ऑर्गेनाइज करना? अभी देखिए ऐसा है कि लोगों को जो पसंद है वो चीज करने की जिम्मेदारी ही प्रताप सरनाइक फाउंडेशन और हम सब आयोजक इस तौर पर करते हैं जी। और साथ ही में हमारी जो पूरी टीम है इसमें, हालांकि मैं ऐसा है कि प्रताप जी और मेरा तो कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो पूरी मेहनत हमारी पूरी टीम की मेहनत है, इतनी अच्छी जब टीम किसी के साथ हो तो निश्चित रूप से ये ऐसे कार्यक्रम सफल होते ही है। और बड़े प्रमाण पर यहाँ पर एग्जीबिटर्स भी आते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के स्टॉल्स होते हैं, फूड के स्टॉल्स होते हैं, आर्ट के स्टॉल्स होते हैं, क्लोथिंग रिलेटेड स्टॉल्स होते हैं, तो एक अलग पूरा माहौल थाने शहर में फैल जाता है और लोग बहुत ही फेस्टिवल के लिए इंतजार करते रहते हैं। तकरीबन 21 एकड़ में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और सबसे यहाँ का खास आकर्षण तो यह होता है कि सुबह 6 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और रात 10 बजे तक इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए लोग आते हैं। आज की अगर मैं बात करती हूँ, वैसे तो कई बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आकर गए हैं, लेकिन अगर मैं आज की ही बात करती हूँ तो पवनदीप राजन का एक मेन शो देख रही हूँ मैं, तो किस तरीके से ऐसे नए टैलेंट को आगे लाने में आप ये स्टेज मदद करता है? जी, इसमें ऐसा है कि हमारा थॉट ही ऐसा है कि 4 दिन 4 बड़े कलाकारों को लाने से अच्छा हम एक बड़े कलाकार को एक दिन पर लाते हैं, एक दिन हम एक किसी लेजेंडरी सिंगर को बुला लेते हैं। और हमारे दिमाग में यही एक मन में एक ही बात होती है कि जो नए कलाकार हैं जिनको जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन आइडल में पवनदीप राजन जीतकर उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई, तो ऐसे पवनदीप राजन को भी हम आज के इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भी कभी आपको बैठकर सुनने का मौका मिलता है? कि आप... जी, मैं मतलब पूरी हमारा परिवार इस कार्यक्रम का वहाँ पर आनंद लूटते हैं। मतलब आज भी जैसे पवनदीप के हम पूरे फैमिली फैंस है, तो हमारे मतलब मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मम्मी डैडी, सब हम साथ में जाके इस शो का आनंद लेने वाले। लवली लवली। तो अभी मैथिली ठाकुर भी आने वाली हैं, जो खुद एक बहुत सुंदर लोक गायिका हैं और वो मतलब लोक गीतों को आगे लेकर आती हैं, तो उनके बारे में आपको क्या सोचना है और उनको अप्रोच? देखिए, मैथिली ठाकुर ये ऐसी कलाकार है जो जिसने आज अपना इतने कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाँ जी। और सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, सिर्फ मुंबई से नहीं, सिर्फ थाने से नहीं, तो पूरे भारतवर्ष से लोग उनको सुनते हैं। और एक अलग कला है उनमें कि इतने
कम उम्र में ऐसी संगीत का प्रयोग जो वो करते हैं वो सच्ची मुझे सच बड़े दिल से बहुत ही बड़ी बात है ये, और मैं इतना ही उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आज तो ठीक है वो पहली बार महाराष्ट्र की भूमि पर परफॉर्म करने वाली है बड़े शो पर, तो ऐसे ही उनको शुभकामनाएं हमारे पूरे प्रतिष्ठान के ओर से मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चाहते हैं कि पवनदीप का गाना वहाँ आए, हर शख्स को पसंद आए, फिर भी अगर बता सके अंदाजे से कितने लोग आने वाले हैं? देखिए वो जो मेन स्टेज है उसकी कैपेसिटी ही कम से कम 10,000 से 12,000 की है। हाँ जी, तो मुझे तो आज पूरा भरोसा है कि आज का शो तो सुपर डुपर हिट हो ही गया ऑलरेडी और पूरा हाउसफुल हो जाएगा वो। ग्रेट ग्रेट, आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको इस फेस्टिवल के बारे में पूर्वेश जी के जुबानी जानने के बाद कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ प्राउड भी महसूस हुआ होगा। जय हिंद।